युगपत समीकरण। इन उदाहरणों में हमने परिस्थितियों से समीकरण तो बना लिए, लेकिन उनके हल नहीं बता पाए। अब हम निम्नलिखित परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। एक पिता ने अपने दो पुत्रों सौरभ और संतोष में 8 रुपये बांटे। क्या हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने कितने रुपए मिले? यदि सौरभ को एक्स व संतोष को वाई रुपए मिले हों, तब इसका समीकरण निम्नलिखित होगा, एक्स धन वाई बराबर 8। समीकरण 1। इस समीकरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब सौरभ को 1 रुपए तब संतोष को 7 रुपए, जब सौरभ को 2 रुपए तब संतोष को 6 रुपए, और इसी प्रकार आगे सोचने पर हम देखते हैं कि जब सौरभ को 7 रुपए तो संतोष को 1 रुपए मिले होंगे। सौरभ व संतोष को 8 रुपए को बांटने के संभव तरीकों को नीचे दी गई सारणी के रूप में लिख सकते हैं। रुपए, सौरभ को 1 रुपए, संतोष को 7 रुपए, जब सौरभ को 2 रुपए तो संतोष को 6 रुपए, सौरभ को 3 रुपए तब संतोष को 5 रुपए, सौरभ को 4 रुपए तब संतोष को 4 रुपए, सौरभ को 5 रुपए तब संतोष को 3 रुपए, सौरभ को 6 रुपए तब संतोष को 2 रुपए, और सौरभ को 7 रुपए तब संतोष को 1 रुपए। आपने देखा कि हम यह नहीं बता पाए कि वास्तव में सौरभ व संतोष को कितने रुपए मिले, लेकिन अब यदि हमें पता हो कि पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुने रुपए दिए हों, तब इसे निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिखेंगे, x बराबर 3y। समीकरण 2। समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर हमें एक चर का निम्नलिखित समीकरण मिलता है, 3y धन y बराबर 8, यानी कि 4y बराबर 8, तो y बराबर 8/4, इसलिए y बराबर 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3y, तब x बराबर 3×2, जिससे मिलेगा x बराबर 6, यानी संतोष को 2 रुपए और सौरभ को संतोष का 3 गुना यानी कि 6 रुपए मिले। इसी प्रकार उदाहरण 3 में हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 180 होने पर हमारा समीकरण बना था 4x धन 2y बराबर 180। समीकरण 1। और अब हिरणों की आँखों की संख्या धन सारस के आँखों की संख्या बराबर 120, अतः 2x धन 2y बराबर 120। समीकरण 2। चूंकि हिरण की 2 आँखें और सारस की 2 आँखें। समीकरण 2 से 2y बराबर 120 ऋण 2x, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर 4x धन 120 ऋण 2x बराबर 180, जिससे मिलेगा 2x बराबर 60। हल करने पर x बराबर 60/2 यानी कि x बराबर 30। x अर्थात हिरणों की संख्या 30 है। x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर 4×30 धन 2y बराबर 180 यानी कि 120 धन 2y बराबर 180 यानी 2y बराबर 180 ऋण 120, जिससे मिलेगा 2y बराबर 60, या कह सकते हैं y बराबर 60/2। हल करने पर मिला y बराबर 30। y अर्थात सारस पक्षियों की संख्या भी 30 है। इन उदाहरणों में हमने देखा कि परिस्थितियों को लेकर दो चरों का जब एक ही समीकरण बना, तब हम प्रश्न का जवाब देने में अनुमान लगाए, लेकिन जैसे ही दूसरी परिस्थिति पर दूसरा समीकरण बना, तब हम सटीक और निश्चित जवाब दे पाए। सोचें एवं चर्चा करें, क्या निम्नलिखित परिस्थितियों से बने समीकरणों से जवाब मिल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? पहला, किसी समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों के युग्म में से एक कोण का माप दूसरे कोण का 4/5 गुना है, कोणों के माप पता करें। दूसरा, एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या 15 है। यदि उनके पैरों की संख्याओं का योग 36 है, तब मैना व कोयलों की संख्या बताइए। तीसरा, एक टोकरी में सेब और आम की कुल संख्या 39 है। यदि दूसरी टोकरी में कुछ आम और कुछ संतरे हैं, तब दूसरी टोकरी में कितने आम रखे हैं?